कौनसी देशर राष्ट्रपति को सेटाकर राजा बोली माने जाय थाए। एते विशाल भारतवर्ष रे सुप्रीम कोर्ट को राय को जदि के खंडन करि परंती ताले से केवल होचंती भारतर राष्ट्रपति। हम भारतर राष्ट्रपति होचंती एमितिक पावरफुल व्यक्ति जे दोषी को दिया जाथुया फासी दंड को मध्य रिवर्स करै परंती एवं ताकू संपूर्ण दोषमुक्त करै परंती। जानिछंती जदि केबे कोनोसी शत्रु राष्ट्र स भारतर युद्ध परिस्थिति उपजे ताले सर्वप्रथम काहा को खबर दिया जाय कौन भाई प्रधानमंत्री खबर दिया जाए ना सर्वप्रथमे भारत राष्ट्रपति को खबर दिया जाए। देश कौन आपत्ति आसे कि सरकार परिचालन कथ आसे सर्वप्रथमे आम पीएम को नाम को भावि था किंतु प्रकृत में पीएम को इलेक्ट कर व्यक्ति होंगे प्रेसीडेट। प्रेसीडेट जदि कौन मैटर नाराज होते पीएम को मध्य साध्य ना से कम को सफल करने तेज चलतु आज पर्दाफाश नुआ एपिसोड आम प्रेसिडेंट साहब को रियल पावर विषय आलोचना करनेबा एवं जानिनेबा प्रकृत में सबुठ अधिक शक्तिशाली किए आम प्रधानमंत्री ना आम राष्ट्रपति किए आमको प्रकृत में चलाउछन्ति चलंतु जानिबा ए वीडियो रे। राष्ट्रपति पावर मानक मध्यरु सर्वप्रथम पावर होची एग्जीक्यूटिव पावर्स। जेमिति मुझे कहली कि आम प्रधानमंत्री को इलेक्ट करतिया व्यक्ति होचंती आम राष्ट्रपति और एग्जीक्यूटिव पावर्स मध्य सामिल अटे। एग्जीक्यूटिव पावर्स केवल एटि सरी जाए कारण पीएम देशर अन्य जरूरी पॉलिटिकल मेंबर मानक प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करिथांती एपरिकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अर्थात कैबिनेट मंत्री मानक आम प्रेसिडेंट साहब ही अपॉइंट करिथांती किंतु एटि टिके ट्विस्ट अछि एही मंत्री मानक से एकाकी सिलेक्ट करंती नाही एटार प्रधानमंत्री सामिल रहिथांती। यह व्यतीत आम देशर एटर्नी जनरल अर्थात आम देशर मेन वकिल को आम प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते माने जदि कल कहीं भारत को काठगड़े ठिया कर दिए ताले सर्वप्रथमे से ही वकिल को ही खोजा जीवो। आम प्रेसिडेंट एतिकी पावर तो किछि भी नुहे एहिति पई तो आम देशर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को से ही अपॉइंट करते जे बेसिकली आम देशर समस्त इनकम और एक्सपेन्स विषय में सब कथा बुझी था कह आम देश में जेकोसी बड़ पद पदवी जॉब अपॉइंटमेंट को आम प्रेसिडेंट ही करते कारण से होंगे आम देश नॉमिनल हेड अर्थात सारा दुनिया रे भारत को रिप्रेजेंट करार दायित्व पाखे अच्छे। नंबर टू पावर होची लेजिस्लेटिव पावर्स। प्रेसिडेंट हाथ में पार्लियामेंट बसवाठ आरंभ कर पार्लियामेंट संपूर्ण भाव रब्द करार ताकत पाखे थाए संपूर्ण लोकसभा को हले देवार ताकत प्रेसिडेंट पाखे अच्छे। जदि पार्लियामेंट रे कौन मनी बिल किंबा कौन से राज्यर नक्सा परिवर्तन करिवार समय आसे ताले सर्वप्रथमे प्रेसिडेंट को खबर दिया जाए कारण तांको बिना अनुमति रे से बिल पार्लियामेंटर द्वारा मध्य पार कर पारिबो नाही। देशरे कौन से नुआ रूल को लागू करिवा प्रेसिडेंट को पाई तो चुटकीर खेल जेमिति आईन हाथ बहुत लंबा ठीक से हीपरि भावे प्रेसिडेंट को पावर मध्य बहुत लंबा तेणु जदि पार्लियामेंट रे प्रधानमंत्री कौन से न्यू रूल किंबा नुआ पॉलिसी राष्ट्रपति पसंद आसीबो नाही तले ताकु सांगे सांगे से नाकच कर दे परंती व ताकु परिवर्तन करिया पई ऑर्डर दे परंती। नंबर थ्री पावर होची जुडिशियल फाइनेंशियल पावर्स। जदि आपण भावुथिबे जे आम हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रे जेउ सब सुनाणी होची सेतिरे प्रेसिडेंट कर कोनोसी हात नै तले से भूल कारण हाईकोर्ट ठु आरंभ करी सुप्रीम कोर्ट जज मानकर चाकिर रो चाबिकाठी राष्ट्रपति को पाखरे रही थाए। यह व्यतीत कौनसी अपराधी एग्नेस्ट रे सुप्रीम कोर्ट देइथिबा दंडादेश को से संपूर्ण भाव मुक्त कर दे परंती एपरिकि कौनसी दोषीर मृत्युदंड को से संपूर्ण भाव मुक्त कर दे परंती। एही जुडिशियल पावर को यूज करी अमर एक्स प्रेसिडेंट श्रीमती प्रतिभा पाटिल निज कार्यकाल मध्यरे 35 जन अपराधी को दंड मुक्त कराइ देथिले। भारतर इमरजेंसी फंड रो एक्सेस केवल प्रेसिडेंट को पाखरे रही थाए एस प्रत्येक 5 वर्ष रे फाइनेंस कमिशन बसेबारो पावर मध्य तांको पाखरे थाए एको फाइनेंशियल पावर मध्य कहा जाए। नंबर फोर पावर होची इमरजेंसी पावर्स। जदि देश रे केबे अनकंट्रोलेबल सिचुएशन देखा जाए सेतळे प्रेसिडेंट निजर अमोघ अस्त्र अर्थात इमरजेंसी पावर को व्यवहार करि परिबे और एथिरे तीन प्रकार पावर रहिची जथा नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट्स रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी। जदि हम देश भितरे हम निज लोक माने दंगा करबे को लागि जिवे अथवा शत्रु देश सह युद्ध आरंभ होइजिवो सेतळे प्रेसिडेंट से फास्ट रूल को व्यवहार करम देश में तीन थर हो सारी। जदि कौन राज्यर शासन भार राज्य सरकार संभाली न पारती राज्यर लोक मैंने राज्य सरकार विरोध में
आंदोलन करिवाकु लागि जिबे सेतेबेले से राज्य रे प्रेसिडेंट रूल लागू करा जाय थाए। आ ए रूल आम देश रे बहुत बार यूज होय सारछि, जेमिति हाली रे जम्मू काश्मीर ए रूल व्यवहार करा जाय थिला। नंबर 5 पावर होछि डिप्लोमेटिक एंड मिलिटरी पावर्स। आपण माने तो आम प्रधानमंत्री को अन्य राष्ट्र को जिबार कथा बहुबार सुनथिबे, किंतु आपण जानछन्ति कि ए ट्रिप मानकर जहा भी चुक्ति होइथाय सेटर प्रधानमंत्री को ना नथाय, सेटर आम प्रेसिडेंट को ना रहिथाय। देशर राष्ट्रपति कौन मामूली लोक नुहति, कारण आम मिलिटरी पावर रो आर्मी नेवी और एयरफोर्स चीफ को मध्य से ही अपॉइंट करती। केवल एति कि नुहे, जदि कौन देश सह युद्ध करने परिस्थिति आसी जाए तेल प्रेसिडेंट ही से युद्ध को आरंभ करें, गोटे अर्डर ही से युद्ध बंद हो जापर। प्रेसिडेंट पाखे एत सब पावर थे भी सब वाले कहीं आम पीएम को नाम को आगे को निया जाए। प्रेसिडेंट खाली निज गादी में नामक मात्र बस जोटर काम ठूँ स्टाफ राम अधिक आपण को कौन लगुच कमेंट लिखे निश्चिंत जनातु। आ भिडटी को लाइक और सेयार करने को बिल्कुल भूलु ना। जब एमती इंटरेस्टिंग भिड देखा चाहूँगी आम चैनल को एवं फ्री सब्सक्राइब करनी। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।